Welcome to Alien Agriculture World. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेम, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रियन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, टीम एग्रियन अपने 12th पास विद्यार्थियों के लिए या वो विद्यार्थी जो यूपी कैटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेकर आया ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यूज प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, यूपी कैटेड के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब जितनी भी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। एग्ज़ाम हाल में अपने मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए आपको अधिक से अधिक MCQs यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपका नोटिस भी आ गया है कि आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो इस बीच आपको अनएक्टिव नहीं होना है। इस बीच आपको अधिक से अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, आम का खाने योग्य भाग है मध्य फलवृत्ति, अंता फलवृत्ति, संपूर्ण फल या भरी। तो आपको बता दें, आम यानी मैंगीफेरा इंडिका फैमिली एनाकार्डियेसी, और इसका जो एडेबल पार्ट है वो है मध्य फलवृत्ति या मीजोकार्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य फलवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, अदरक रूपांतरण है पर्व का, जड़ का, तने का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, अदरक, हल्दी और आलू, ये तीनों जो है रूपांतरित तने की श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रोग का कारक जीवाणु नहीं है, एड्स, डिफ्थीरिया, हैजा या काला खांसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स किससे होता है दोस्तों, ये वायरस से होता है। अगर बैक्टीरियल रोग की बात की जाए तो हैजा, टीवी, कुक्कुर खांसी, प्लेग, डिफ्थीरिया, टाइफाइड और टेटनेस, ये आपके बैक्टीरिया से होते हैं। और बाकी जो वायरस से कौन कौन सा और होता है, ये होता है आपका एड्स, चेचक, चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं, और पीलिया और पोलियो। ठीक है, ये आपके वायरस जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुँहपका बीमारी का मुख्य कारक क्या है। तो आपको बता दें, खुरपका मुँहपका FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज़, ये जानवरों में किसी भी एज पर हो सकता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जानवर के मुंह में या पैरों पर छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं, बाद में ये बड़े छाले का रूप ले लेते हैं, जिससे जानवर क्या होता है, जुगाली नहीं कर पाता है, चारा नहीं खा पाता है, और पैरों में छाले होने की वजह से वो चल नहीं सकता है, और उसको बहुत तेज़ बुखार आ जाता है, जिससे कि उसकी जो है हेल्थ डे बाई डे डाउन हो जाती है और धीरे धीरे जानवर की डेथ हो जाती है। तो इसका जो कारक है वो है विषाणु यानी वायरस। किससे होता है, वायरस से होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, बुध, मंगल, शुक्र या शनि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शुक्र। कौन सा होगा, शुक्र। बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह होता है, मंगल ग्रह इसको मार्स ग्रह या लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं। तो शुक्र के बारे में आपको और बता दें दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात की जाए तो शुक्र ग्रह, सर्वाधिक चमकीले ग्रह की बात की जाए तो शुक्र ग्रह, सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, ये सभी किसमें आएंगे, शुक्र ग्रह के लिए। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये जो है शुक्र ग्रह के ही उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो मानव शरीर में जो मास्टर ग्लैंड होती है, या इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, यहीं से ही आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है और वृद्धि हार्मोन भी यहीं से निकलता है। कहाँ से, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड विकसित होकर बनाता है, तो आप याद कर लीजिए, पावा, बावा, मतलब बीज का निर्माण बीजांड से, या बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं,
एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर यानी कि सब्जी के कल्टीवेशन की बात की जाती है। फ्लोरिकल्चर में फूलों के कल्टीवेशन की बात की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो क्लोरोफिल के निर्माण में दोस्तों MG। ओके फ्रेंड्स, ये जो पोटेशियम है ये आपके स्टोमेटल एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी फसल में सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन है धान, बाजरा, गन्ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है, कन्फ्यूज़न हमें होता है धान है या गन्ना। तो आपको बता दें कि गन्ने की जो है सबसे ज़्यादा, गन्ने की फसल को सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1500 से 2500 mm, और धान की जो होती है वो है 800 से 2500 mm। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना। अगर गन्ना ऑप्शन में ना हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कौन सा, टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है, टेट्राजोलियम परीक्षण यानी TZ टेस्ट टू डिटरमाइन सीड वायबिलिटी। इससे क्या करते हैं, सीड की जीवन क्षमता को चेक किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसका जो रिजल्ट है वो 24 से 48 घंटे के अंदर आ जाता है, इसीलिए इसको क्विक जर्मिनेशन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें सीड को क्या करते हैं, 2-3-5 टेट्राजोलियम क्लोराइड के सोल्यूशन में सीड को सक करा देते हैं, उसको डुबो देते हैं, वहीं से फिर क्या होता है इसकी सीड वायबिलिटी को चेक किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, बीज की जीवन क्षमता जैसा कुछ लिखा होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ड्रिप सिंचाई हो या टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई, ये जो है आपके इसराइल से आई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति है? तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं वीट, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, गेहूँ। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, सोलम बना होता है ओराइजन सी, ओराइजन ए, ए प्लस बी ओराइजन या वी ओराइजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओराइजन ए प्लस बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडस्टोन डोलोमाइट किस प्रकार का पत्थर है? तो आपको बता दें ये जो है अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। बाकी अग्नेस रॉक का एग्जांपल की बात करें तो ये हो जाएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो। सोयल साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर रोग का मुख्य कारक क्या है? तो सिट्रस कैंकर ये आपका जो है नींबू में, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं लगता है, और इसका कारक है बैक्टीरिया जेंथोमोनास स्पेसीज से ये लगता है। अगला क्वेश्चन है, हंदी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? तो हंदी गुड़ाई जो है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ये गन्ने में की जाती है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। होता क्या है फ्रेंड्स, गन्ने में जर्मिनेशन के समय एक मिट्टी की हल्की सी ऊपर लेयर बन जाती है जिसको तोड़ा जाता है, उसी को हम अंधी उड़ाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गन्ना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भिंडी का कुल है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भिंडी का कुल आपको पता होगा, भिंडी का कुल है मालवेसी। मालवेसी में आपका भिंडी हो गया, कपास हो गया, गुलहड़ हो गया, ग्रेमिनी में आपका गेहूं हो जाता है, या इसी को घास कुल भी कहते हैं, लेग्यूमिनेसी में आपकी जो पल्सेस क्राप हैं वो आ जाती हैं, और सोलेनेसी में आपका आलू, बैंगन, टमाटर, मकोए आदि फसलें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधी वग एक महत्वपूर्ण कीट है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा धान। गंधी वग या आर्मी बॉर्म, ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, ये सभी जो है धान के कीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति के पिता, ऑप्शन डॉक्टर बी पी पाल, डॉक्टर बी कुरियन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन ली बोरलॉग। तो जब भारतीय हरित क्रांति की भी आप बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इसमें अगर भारतीय ऐड ना होता तो इसका राइट आंसर हो जाता नॉर्मन ई बोरलॉग और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसका कि आप जानते हैं कि ये दुग्ध विज्ञान के पिता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज्जत नगर, बरेली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांस व दूध के उद्देश्य से बकरी की उत्तम नस्ल है, तो ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, गद्दी, उस्मानाबादी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमुनापारी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीची की खेती में सबसे उपयुक्त वनस्पतिक प्रजनन विधि है, तो इसका जो सही आंसर है, ये फ्रेंड्स आपको बता दें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूटी यानी ईयर लेरी। नेक्स्ट वन, थार के रेगिस्तान की वनस्पति क्या कहलाती है, जीरोफाइट्स। ठीक है, सारे फ्रेंड्स इसका सही आंसर जानते होंगे, इसको जीरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं, हाइड्रोफाइट यानी जो वाटर में उगते हैं। नेक्स्ट वन, अंगूर में हैन एंड चिकन रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो अंगूर में जो हैन एंड चिकन रोग होता है वो हमारा होता है बोरॉन की कमी से। ओके फ्रेंड्स, किसकी कमी से, बोरॉन की कमी से होता है, ये अंगूर का डिसऑर्डर है। मूंगफली का टिक्का रोग किससे के लिए उत्तरदायी है, मूंगफली के टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी है क्या, फंगस यानी कवक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस को जो है, जैसा कि आप जानते हैं नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78 पॉइंट समथिंग पाई जाती है, तो करीबन इसका जो है कभी कभी ऑप्शन में 78% या 79% आता है, तो उसका जो है आप देख कर टिक करेंगे, तो इसका जो ऑप्शन है वायु के समान, वायु से भारी, वायु से हल्की, तो ये जो है नाइट्रोजन गैस क्या है, वायु से भारी होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, किसकी, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध से संबंधित आपको कुछ बता देते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था कहाँ, तो लुम्बिनी जो कि कपिलवस्तु में है, इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, बोधगया जो कि इस समय बिहार में है, कहाँ, किस नदी किनारे, तो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। इनके अगर शिष्यों की बात की जाए तो इनके शिष्य थे आनंद और रूपाली, इनकी माता थी कौन, महामाया, लेकिन इनकी पालक माता थी प्रजापति गौतम, महाप्रजापति गौतमी, और इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, और इनका जो गृह त्याग की घटना जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनके गृह त्याग की घटना को महा विनिष्क्रमण बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सदिश राशि है, तो ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, तो उनको हम सदिश राशि कहते हैं, और जिनको परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। तो हमारा सदिश राशि का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संवेग। दोस्तों सदिश राशि का अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारी सदिश राशि वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, संवेग आदि। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि वल एक सदिश राशि है। चलिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चंस का द एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।